मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भावुक पत्र लिखकर मणिपुर में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर त्राहिमाम पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने की पहल करने की अपील की है। मणिपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखकर कहा है कि मैं मणिपुर राज्य में जारी हिंसा का भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिखने को मजबूर हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में काम होना चाहिए और शांति बहाली के संबंध में जो राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। झारखंड के मुख्यमंत्री और देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में मैं मणिपुर में बढ़ती स्थिति से बहुत व्यथित और चिंतित हूँ। मणिपुर में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं। संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश, यातना और महिलाओं का यौन शोषण, विस्थापन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय समूहों के बीच असुरक्षा की गंभीर भावना पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर दो दिन पहले वायरल वीडियो ने हम सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। हमारे संविधान की ओर से प्रदत्त मानव जीवन और सम्मान के आंतरिक सिद्धांत पूरी तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। एक समाज को कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां लोगों को इस तरह की शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े, जैसा कि फिलहाल मणिपुर में हो रहा है। राज्य सरकार अपने ही लोगों की रक्षा करने और शांति और अशांति को कम करने में विफल रही है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। मीडिया रिपोर्टों का अनुमान है कि बच्चों सहित लगभग 40,000 से लोग अधिक विस्थापित हुए हैं। वे अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का शासन मणिपुर में पूरी तरह से टूट गया है। यह बेहद ही दुखद है कि कुछ निजी स्वार्थ के मौन समर्थन के साथ यह जातीय हिंसा निरंतर जारी है। क्या मणिपुर का सवाल करूंगा? हाँ, हमने लिखा है, हमने लिखा है। विपक्ष का कहना है कि सेलेक्टिव क्यों है, कि राजस्थान में जो हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, उसमें क्यों नहीं? देखिए, घटनाएं कई तरीके के होते हैं। वहाँ घटना नहीं हो रहा, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। आप मालूम है, तो सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव का बात है, इसमें कौन सा सेलेक्टिव? आपको अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और हमें पता है कि आप लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे। तो मुझे जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं और बाकी आप लोग महानुभाव हैं, आप लोग इंटरप्रेट करें। राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में यह भी आग्रह किया है कि मणिपुर और देश के सामने संकट की इस घड़ी में हम आपको आशा और प्रेरणा के अंतिम स्रोत के रूप में देखते हैं। इस विकट परिस्थिति में आगे का रास्ता दिखाने और न्याय सुनिश्चित करने और मणिपुर की शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील करता हूं। आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ हो रहे बर्बरता व्यवहार को रोकना होगा। मणिपुर की स्थिति ठीक होनी चाहिए। मणिपुर को मरहम की ज़रूरत है। एक देश के रूप में हमें आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये मार्मिक पत्र राष्ट्रपति को ऐसे समय में लिखा गया है जब मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। ऐसे में निगाहें अब राष्ट्रपति की ओर हैं कि आखिर वो क्या कदम उठाती हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।